हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स वेलकम बैक टू द चैनल जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं सो so, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस डब्ल्यू एन टी सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस वीडियो सो नाउ गाइड्स इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हैं फ्योल फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट

वो कितना समझ में आया वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा क्योंकि अगर आंसर दे पा रहे हो सही तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अदरवाइज आपको दोबारा देखने की जरूरत है ठीक है सो अपना जो अटेंशन स्पैन है थोड़ा आप लोग इंक्रीज करो और वीडियो को अच्छे से देखो ठीक है इससे आपका ही भला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग नहीं कर तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज ओके सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हेनरी फ्योल के फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ हेनरी फ्यूल जो है हमने डिस्कस भी किया था ये फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट है ठीक है मतलब अपनी कंट्री के नहीं है बाहर के इन्होंने मैनेजमेंट के फोर्टीन प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि एक मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस की फाउंडेशन बनता है ठीक है जैसे अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो अपने मैनेजर बनना चाहते हो चाहे वो ह्यूमन एच आर मैनेजर बनना चाहते हो या फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हो या किसी आगे जाके बीबीए बीबीएम किया आपने किसी कंपनी में जाओगे वहाँ पे आपको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी आपका खुद का बिजनेस है मैनेजमेंट करना है तो ये फोर्टीन प्रिंसिपल जो होंगे ना वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो ठीक है कौन कौन से फोर्टीन प्रिंसिपल हैं उसको अच्छे से याद रखो फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क मतलब होता है कि जो भी काम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन हाल आपने अपने आप को इमेजिन करना है भी एक मैनेजर हो और आपकी वही और ही ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है अब इसको पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझना तो आपका काम क्या होगा कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में वर्क है ठीक है बहुत सारे टास्क होंगे बहुत सारे काम होंगे मार्केटिंग का काम का होगा फाइनेंसिंग का काम का 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 होगा ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट का काम होगा देर सेवरल टास्क आपको क्या करना है जो भी टास्क है उनको लोगों में बांट देना है सबको पता होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है अगर सब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे घूम रहे हैं कि हमें क्या करना है हमें तो पता ही नहीं है तो फिर आप मुश्किल में आ जाओगे मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो पहला है कि जो भी इंसान जिस भी काम में अच्छा है किसी को मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज उसको मार्केटिंग का काम दो किसी को फाइनेंस की अच्छी नॉलेज उसको फाइनेंस का काम दो इससे क्या होगा जो जिस चीज़ में अच्छा है वो उस चीज़ में अपना बेस्ट देगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी निकल के आएगी ठीक है तो स्पेशलाइजेशन इंक्रीज एफिशिएंसी और जब एक ही इंसान एक ही काम को बार बार कर रहा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा वो एक्सपर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी उसकी ठीक है नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या कहता है कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटी मीन्स जो पावर है पावर मीन्स कि लोगों को इंस्ट्रक्शन देने की पावर है जैसे कि सुपीरियर हो गए सुपीरियर मॉन बॉस बॉस क्या करते हैं बताते हैं कि इसको क्या करना है उनके तो पास वो पावर है लोगों से काम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपके ऊपर जो जिम्मेदारी कि आपको ये करना है ये साथ साथ चलनी चाहिए मीन्स मैनेजर शुड हैव द राइट टू गिव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट ऑफ दो सौ कि जैसे जो मैनेजर है उसके पास ये तो अथॉरिटी है ठीक है ये तो राइट right है उसका कि वो लोगों को बताएगा कि किसको क्या करना है किस वक्त जो, रिपोर्ट जो है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए टेबल तक लेकिन उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर ही पावर है मीन्स वो जो चाह रहा है वो कर रहा है लोगों को स्प्लाट करना शुरू कर दे क्योंकि मेरे पास पावर है पावर के साथ साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो भी आपने ऑर्डर दिया है वो पूरा होना चाहिए नहीं होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल यू आर रिस्पॉन्सिबल तो जिसको जितनी पावर दो उसको उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी दो या जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी दो उसको उतनी पावर भी दो कि वो वो काम करवा पाए मानो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत बड़ी दे दी बा और उसके पास कुछ है ही नहीं लोग उसकी सुनेंगे ही नहीं नेक्स्ट इज डिसिप्लिन डिसिप्लिन आपको पता है जो भी एम्प्लॉय हैं उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको क्या करना है फॉलो करना है रिस्पेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है जैसे कोई टाइमिंग है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सात बजे आना है तो सबको फिर सात बजे आना है यह रूल है कि मीटिंग में सबको अटेंड करना है तो सबको अटेंड करना है डिसिप्लिन रहेगा तो अच्छे से काम चल पाएगा तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या कि ईच शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन जो बी कॉम बीबी के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपने कॉमर्स के बाद मीन्स इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद उनको तो ये सब बहुत अच्छे से आता होगा बट जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनके लिए कॉन्सेप्ट न्यू है सो प्लीज फोकस के साथ कर देखना और बहुत ईजी है आपको भी बहुत आसान लगेगा यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या होता है कि हर इम्प्लॉय को एक से ऑर्डर मिलना चाहिए मान लो जैसे आप हो ठीक आप आप है आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए आपने पूछा मेरा बॉस कौन है मुझे मुझे कौन बताएगा करना क्या है ठीक है मैंने बोला आपके बॉस मैं हूँ मेरे साथ ये हैं ये हैं ये है ये है सब लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं मेरा काम ये करना है छह बजे तुमको ये फाइल देनी है मैंने बोलते हैं सात बजे आपको ये फाइल देनी है छह बजे आपको, आपको ये काम भी करना है छह बजे आपको मीटिंग भी करनी है तो आप सोचोगे किसकी किसकी बात मानू मतलब कोई एक बॉस इंपॉर्टेंट होगा ना मेरे लिए मैं उसकी बात मानूँ तो आप क्या करोगे किसी एक का काम कर दिया बाकी तो सबको टाल दिया या जिसका आसान लगा उसका कर दिया सोचा कि चलो इन लोगों को तो कह दूंगा कि उनका काम था तो कंफ्यूजन ना हो लोगों को कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन ना मिला हो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है इसलिए इन्होंने कहा कि हर एक एम्प्लॉय को मीन्स हर एक एम्प्लॉय को बस एक ही सुपीरियर बताए कि उसको क्या करना है दस लोग उसको नहीं बताएंगे नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो तो एक ही ऑब्जेक्टिव के डायरेक्टेड हो plan. Plan हो बाय वन वन मैनेजर मैनेजर यूजिंग प्लान प्लान एक एक बने सबको होने क्या करना है और जो भी एक्टिविटीज सब कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है या ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस इंक्रीज करना है या मार्केट में शेयर बढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव की तरफ भाग रहे हैं सबको एक ही साथ मिलके एक ही प्लान पे एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है वर्क करना है इससे क्या होगा कोऑर्डिनेशन बनेगा लोग आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि तो सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं नेक्स्ट इज कबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मीन्स क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग हैं एक तो है इम्प्लॉयज अगर वो अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे देखे दूसरी है एक ऑर्गेनाइजेशन हर लोग का इंटरेस्ट अलग इंडिविजुअल इंप्लॉय क्या चाहता है मेरी सैलरी बढ़ जाए मुझे बोनस मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है हमारी ग्रोथ हो हम अच्छे फाइनेंस में लीड करें ठीक है अब मान लो कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गई जहाँ पे एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर गया लाइक like ऑर्गेनाइजेशन ने एक मान लो एक कॉन्सेप्ट निकाला कि आप लोगों को सौ बॉक्स बनाने हैं ठीक है और जो इम्प्लॉय सौ बॉक्स बना देगा उसको क्या मिलेगा एक गिफ्ट मिलेगा और बोनस मिलेगा मान लो पंद्रह परसेंट तो इम्प्लॉय ने क्या सोचा कि चलो मुझे सौ बॉक्स बनाने हैं मैं क्या करता हूँ सौ बॉक्स बनाता हूँ जैसे जैसे बनाऊँ एक दिन में उसने क्या किया सामान को मिस यूटिलाइज करना शुरू कर दिया सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया ठीक है मटेरियल ख़राब हो रहा है होने दो बस बन जाए जैसे तैसे इससे क्या हुआ आपका तो इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा मीन्स आपको तो गिफ्ट मिल जाएगा आपको तो बोनस मिल जाएगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट का क्या हुआ उसकी तो कॉस्टिंग आएगी क्योंकि आपने मटेरियल बर्बाद किया है ठीक है आपने सामान बर्बाद किया उसका वो उसकी दो बात आती है कि इंडिविजुअल इंप्लॉय को अपना हित देखना है और ऑर्गेनाइजेशन का देखना है तो वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करा दे अपना बेनिफिट भले नुकसान में ला दे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को वो नुकसान नहीं देगा मीन्स आपको हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है अपने इंटरेस्ट के ऊपर ठीक है तो ये होता है आपका ये रेमेशन मीन्स क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी मिल रही है कंपनसेशन मिल रहा है हर इम्प्लॉइज को वो फेयर होने चाहिए सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए ऐसा ना हो कि आप कम दे रहे हो काम ज़्यादा करा रहे हो पैसे कम दे रहे हो दूसरा ऐसा नहीं कि आप किसी को ज़्यादा दे रहे हो किसी को कम दे रहे हो इससे क्या होगा मोटिवेशन डाउन होगा उनको लगेगा उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है

जिन डिसीजन में आपको लग रहा है कि पावर जो है वो टॉप लेवल तक ही होनी चाहिए अदरवाइज वो मिस यूटिलाइज होगी तो वो वहीं तक रखो और जहां जहां आपको लग रहा है कि छोटी छोटी जरूरतों में पावर जो है वो सबके पास होनी चाहिए ताकि लोअर लेवल को जब लगे कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कम टाइम में वो ले ले छोटे छोटे डिसीजन के लिए टॉप लेवल का इंतजार ना करे तो वहां पे आपको क्या करना है बैलेंस बना के रखना है नेक्स्ट इज स्केलर चेन अ चेन ऑफ कमांड शुड एक्जिट विद इन द ऑर्गनाइजेशन लेवल ऑफ अथॉरिटी क्लियरली डिफाइड फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्केलर चेन बेसिकली यही होती है कि जो चेन है कमांड की कि ऑर्डर कहाँ से आएगा या कम्युनिकेशन कहाँ से होगा लाइक टॉप मिडिल पॉस्टम वो क्लियर होनी चाहिए कि टॉप लेवल जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा मिडिल लेवल को मिडिल लेवल जो है वो उसको फॉरवर्ड करेगा लोअर लेवल तक तो क्लियर होना चाहिए कहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन आना है ऐसा नहीं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि, कि किसको क्या पता है ऑर्डर मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी जगह पे प्लेस हो ठीक है हर चीज़ की हर इंसान की अपनी खुद की एक जगह होनी चाहिए जैसे किसी एम्प्लॉय की आपको ज़रूरत तो है आपको पता है टेबल नंबर पे बैठे होंगे या वहां पे ही मिलेंगे आपको ये जो रिसोर्स की जरूरत है पेन स्टेशनरी की जरूरत है वो वहीं पे मिलेगी ऐसा नहीं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं पहुंच है आपको पता ही नहीं कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है या कौन इंसान कहाँ पे है ये नहीं होना चाहिए एक हर चीज़ के लिए हर इंसान के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए इक्विटी मीन्स क्या है कि मैनेजमेंट जो है जो मैनेजर्स हैं वो अपने इम्प्लॉयज़ को फेयरली और जस्टली ट्रीट करें मीन्स इससे क्या होगा अगर अपने एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करते हो तो उनका मोटिवेशन रहेगा पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट रहेगा वो लॉयल रहेंगे बिकॉज उन्हें पता है कि आप लोग उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करते हो स्टेबिलिटी ऑफ टेन ऑफ पर्सनल्स मीन्स हाई एम्प्लॉय टर्न ओवर डिटर्मिनट ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू रिटेन कॉम्पिटेंट इंप्लॉयज़ फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ स्टेबिलिटी ऑफ टेन ऑफ पर्सनल्स मीन्स है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के मच जाए ठीक है अगर हाई टर्न ओवर होगा इंप्लॉयजी जल्दी जल्दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा इसलिए आपको फोकस ये करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इम्प्लॉयज हैं वो टिके रहें वो छोड़ छोड़ के मत भागें उसके लिए आप जो भी स्कीम ला सकते हो जो भी बेनिफिट दे सकते हो या फेयर ट्रीटमेंट करो वर्क इन्वॉर्मेंट अच्छा दो जिससे वो रुके हैं इंसेंटिव्स है सॉरी इंसे, इन, इन, इनिशिएटिव है कि इम्प्लॉइज को इंक्रेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें मीन्स आइडियाज लाएं कुछ इनोवेशन के बारे में प्रपोजल रखें जिससे उनको उनको अगर आप ये दोगे ना कि आप इन, इनिशिएटिव ले सकते हो आप भी कुछ कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नया सोचो कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाओ तो उनको लगेगा कि हमारे ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है और हमारा भी कुछ हक हाँ है इस बिजनेसमैन स्प्रेड ड्यू कॉप्स मीन्स कि हमें टीम वर्क प्रमोट करना है स्प्रेड ड्यू कॉप्स मीन्स होता है कि टीम वर्क लाना है मीन्स यूनिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी होनी चाहिए सब लोग साथ में काम करने चाहिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए जिससे लोगों का मॉरल हाई होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉय को या मैनेजर को फोकस करना है कि वो यूनिटी और हार्मनी बनाए एम्प्लॉयज में बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं अलग अलग कल्चर के हैं तो उनके बीच में ऐसा नहीं है कि यूनिटी नहीं है यूनिटी होनी चाहिए सब लोग एक टीम के साथ काम करने चाहिए सब लोग एक दूसरे में अपने आप को देख पाए ओके लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट टू चेक कि आपने कितना समझा अभी तक सो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट फेलिपल्फोसा डिवाइडिंग टास्क अमंग इंडिविजुअल कौन सा प्रिंसिपल है जो इस बात पे फोकस करता है कि हर इंडिविजुअल में टास्क जो है वो डिवाइड कर देना चाहिए जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी यूनिटी ऑफ कमांड डिवीजन ऑफ वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑर्डर सो इट इज डिवीजन ऑफ वर्क ठीक है नेक्स्ट है प्रिंसिपल स्टेटिंग ईच शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हर इम्प्लॉय को बस एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिटी ऑफ कमांड या डिसिप्लिन

इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से हमेशा क्या होना चाहिए सब होना चाहिए मतलब आप अपने इंटरेस्ट को उतना इंपॉर्टेंस मत दो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से क्लैश हो रहा है तो तो ये कहता है आपका सब ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल ऑफ प्योर इंपरसाइज फेयर कंपनेशन फॉर की इंप्लॉयज्लॉयज के लिए फेयर कंपनसेशन होना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अथॉरिटी स्प्रेड स्प्रेड पता है यूनिटी के बारे में बात करते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करता है कि जो भी पावर है ठीक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बैलेंस होना चाहिए क्यूरिटी ऑफ डायरेक्शन के एक ही ऑब्जेक्टिव पे गोल पे काम कर रहे हैं रेम्युनिरेशन कहता है क्योंकि रेमुनरेशन में ही हम बात करते हैं कि इंप्लॉयज को फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए फ्यूल प्रिंसिपल डेट रिफर्स टू हैविंग अ क्लियर चेन ऑफ कमांड इज नोन एज एजन ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑर्डर या स्केलर चेन स्केलर चेन नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल डेट इंकरेज इंप्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड प्रपोज आइडिया कौन सा प्रिंसिपल जो कहते हैं कि इंप्लॉयज को इनिशिएटिव लेना चाहिए और फेयरली एंड जस्टली विच इज कवर्ड अंडर विच प्रिंसिपल फ्यूल का ये बिलीव है कि मैनेजर जो है वो हर इंप्लॉयज को फेयरली और जस्टली ट्रीट करे किस प्रिंसिपल के अंदर आएगा फेयरली एंड जस्टली ट्रीट करना ऑर्डर इक्विटी यूनिटी ऑफ कमांड यथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिटी ऑफकोर्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ठीक है तो गाइज हमने ये डिस्कस किया ये है आपके आंसर अपना जो भी स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना है आपको ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इस प्ले लिस्ट को ज़रूर शेयर करें थैंक यू